नमस्कार, वेरी वॉम वेलकम टू ऑल आर व्यूवर्स एंड लर्नर्स इन दिस वेरी स्पेशल सेशन ऑफ सीआईटी एनसीईआरटी। आई एम रेणु भट्ट विद यू ऑल एंड यू आर वॉचिंग दिस लाइव ऑन ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 9। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चैनल यू आर विद अस थ्रू आर वेरियस मीडियम, बट स्टिल राइट नाउ यू आर विद अस ऑन विद दिस यूट्यूब ई विद्या चैनल, दैट इज ई विद्या चैनल नंबर 9। एंड दिस सेशन इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इन दिस स्पेसिफिक सेशन इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पार्ट 3, खाद्य संसाधनों में सुधार भाग 3। इस विषय पर हम बात करने वाले हैं और पिछले दो भागों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या कुछ खास है आज के इस सेशन में आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं मिस्टर सुशील कुमार, यू आर PGT बायोलॉजी फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश। वेरी वॉर्म वेलकम सर। यस मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, कुछ बहुत ज़रूरी बातें अपने सभी देखने वालों के साथ हम शेयर करना चाहेंगे। अगर बच्चों आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। और अगर आप कुछ और भी बातें कहना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम ये सत्र शुरू करें, एक बहुत ज़रूरी सूचना हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifests the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that note, let's quickly get back to the session in which we are going to discuss about improvement in food resources part 3. So, hum fatafat aapke paas aayenge aur hum aapse nivedan karenge, request karenge ki we would like to start this session jo pichle jo do parts hue hain uske bahut hi brief ke sath hum ye session shuru karna chahenge sir. Yes ma'am, dhanyawad, thank you very much. प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले दो सेशन में आपके साथ बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया था, किस प्रकार से हम बढ़ती हुई जनसंख्या के जरूरतों को पूरा करने के लिए, विशेषकर खाद्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हम किन किन ढंग से क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। हमने आपके साथ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की बात की थी, जिसमें से क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट एवं क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट पर चर्चा हो चुकी थी। आज हम क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पर अभी आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन उस पर जाने के पहले हम कुछ और बातें आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है क्रॉप्स को, हमें खेतों में उगाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में प्लांट को जरूरत होती है, उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो पोषक पदार्थ जो जमीन से प्लांट को मिलते हैं उनकी कम मात्रा में प्लांट को जरूरत होती, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। इन मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम अलग अलग ढंग से अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। हम कह सकते हैं कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर आर द मेन सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट टू सप्लाई वेरियस न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। बच्चों, हमने बात की थी कि नाउ ए डेज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल एज फर्टिलाइजर। बिना हर्बिसाइड, बिना पेस्टिसाइड, बिना फर्टिलाइजर के हम अगर फलों या सब्जियों या क्रॉप्स की खेती करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं, इस पर हमने बात की थी। एक तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक फायदा है कि हमारा पैसा हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे यूज नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे इकोसिस्टम बुरी तरह से प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा हम लोगों ने मिक्स्ड फार्मिंग की बात की थी, जिसमें हमने आपसे बताया था कि हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते समय अलग अलग प्रकार की फसलों को मिला के भी उगा सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोविंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली और इन द सेम पीस ऑफ द लैंड।
So we can say that growing two or more crop in definite row pattern is known as intercropping. The growing of different crop on a piece of land in pre-planned succession is called crop rotation. आपसे बात की थी कि आजकल हमारे किसान बहुत पहले से जो पूर्वजों का दिया हुआ ज्ञान है, जिसमें कि वो पहले एक साल अगर दलहनी फसलों को उगाते थे, दाल वाली फसलों को, मटर चना सोयाबीन वाली, अगली बार वो उसी खेत में गेहूं चावल या मक्का वाली फसलों को उगाते थे, इसे क्रॉप रोटेशन कहते थे और इसमें सोयल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती थी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पर। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पर जाने से पहले मैं मैम से पूछना चाहूंगा, क्या पिछले जो दो सेशन हुए थे उससे संबंधित कोई प्रश्न तो नहीं है बच्चों के? जी सर, हमारे पास दो तीन प्रश्न है जो हम आपसे करना चाहेंगे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपनी चर्चा में, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जीएम फूड के बारे में सर। यस, सो बच्चों, जीएम फूड, जीएम का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, या हम ऐसी फसलों को बनाएं जिनमें जेनेटिक अल्टरेशन कर दें, घेरा फेरी कर दें उनके डीएनए में, किसी और ऑर्गेनिज्म का, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का, या कहीं दूसरे सोर्स से हम डीएनए को डाल दें। जैसे आज के दौर में आपने देखा होगा बहुत सारी जीएम क्रॉप मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ प्रकार की क्रॉप जीएम क्रॉप में बीटी रिलेटेड क्रॉप हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी सोया, बीटी ब्रिंजल। यहाँ पर बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये एक सॉयल बॉर्न बैक्टीरिया होता है और इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये जो आजकल आपने देखा होगा, अगर आप कभी फसलों को देखते हो तो उनमें जब कैटरपिलर या सुंडी लग जाती है तो उसको मारने की इसके अंदर क्षमता होती बीटी अर्थात बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया के अंदर। तो उस वैज्ञानिकों ने उसके डीएनए को लेके और हमारी क्रॉप जैसे कि कॉटन या ब्रिंजल या अलग अलग क्रॉप में डाल के और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई है। बहुत सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आजकल बाजार में है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कई सारे अलग अलग कारणों को लेकर भी किया जा सकता है, फसलों को ड्रॉट रेजिस्टेंस अर्थात सूखा प्रतिरोधी तैयार किया जा सकता, या उन फसलों में किसी प्रकार के अमीनो एसिड की कमी है तो हम बाहर से किसी सोर्स ऑर्गेनिज्म से जीन लेके दूसरी फसलों में डाल के उन अमीनो एसिड की जो डेफिशिएंसी है उसको भी कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते, मतलब कम को हम फुलफिल कर सकते हैं, अर्थात वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा हम उन अमीनो एसिड का सिंथेसिस उन फसल में भी करवा सकते हैं। तो आजकल जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक पॉपुलर टेक्निक है और इसके द्वारा हम बढ़ी हुई जनसंख्या की एक चल रहा है, इस पर बहुत सारी डिबेट हो रही है, डिमांड हो रही है, तो इस पर एक तरफ डिमांड है, दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक इसके साइड इफेक्ट के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो इस पर बहुत सारी चर्चा हो रही डिबेट। लेकिन आज के दौर में फिलहाल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एक सॉल्यूशन के रूप में हमें और आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारी 8 अरब से ज़्यादा जो जनसंख्या आज के दौरान पूरी धरती पर पाई जा रही है उसके भरण पोषण के लिए। जी सर, एक और सवाल हम लेना चाहेंगे, मिलेट्स के बारे में आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, और मिलेट्स को सुपर फूड क्यों कहा जाता है ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे सर। यस, मिलेट्स इसे हम प्राचीन अनाज भी कहते हैं बच्चों, इसे हम आपने सुना होगा मोटा अनाज भी कहते हैं, और ये इस समय बहुत चर्चा में है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इसका जिक्र किया था, और आपको पता होगा कि उनके एक अच्छे प्रयासों से, हमारे देश के अच्छे प्रयासों से आपने देखा होगा कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जा रहा है, अर्थात हम पूरी दुनिया को जागरूक कर रहे हैं कि भाई मिलेट का उपयोग करिए। तो अब सवाल उठता है कि मिलेट क्या है? तो मिलेट एक प्रकार की प्राचीन क्रॉप है जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पुराने जो लोग थे समझदार, वो उगाते थे, और इससे देखा गया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक बैलेंस अमाउंट में होता है, साथ में इनमें रफेज खूब होता है, फाइबर्स खूब होते हैं, रेशे खूब होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो जब ऐसे मोटे अनाजों का सेवन आप और हम सब लोग करेंगे तो हमारी इंटेस्टाइनल जो गट है उसमें जो माइक्रोब्स हैं उनको भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, साथ में गट की एक प्रकार से एक्सरसाइज भी होती है क्योंकि रफेज बहुत ज़्यादा होता है। तो माना जा रहा है कि चूंकि मिलेट्स में चूंकि एक बैलेंस अमाउंट में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, इसको वैज्ञानिक सुपर फूड की भी संज्ञा दे रहे हैं। ये भारत का एक प्रयास है कि पूरी दुनिया में मिलेट्स को प्रचारित प्रसारित किया जाए और लोग धीरे से अपना जो कल्टीवेशन पैटर्न मिलेट की तरफ लाएं और मिलेट के उत्पादन को बढ़ाएं। जी
और सर यहाँ पे हम बहुत ही फटाफट आपसे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी जानना चाहेंगे, फिर हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी जो आज का टॉपिक है हम उस पर भी बात करें। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप जान रही होंगी कि जैसे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए हमें अनाज सब्जियां फल उगाने के लिए मिट्टी चाहिए, और मिट्टी सीमित है, और मिट्टी की दूसरी तरफ एक पॉल्यूशन भी है मिट्टी में, हम लोग अलग अलग ढंग से एडवर्स उसको बर्बाद भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम और कौन से अल्टरनेटिव सोर्स के द्वारा किस प्रकार से और सब्जियों फलों को उगाएं और वो भी कीटनाशक रहित हों। तो आज के दौर में बिना मिट्टी के खेती, जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, जिसमें हम पानी में फसलों को उगाते हैं, विशेषकर सब्जियों को और फलों को, और उसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की एक निश्चित मात्रा ऐड की जाती है, जिसकी वजह से आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। रेणु जी, लोग अपने घरों में, किचन गार्डन में, छत पर और जगह जगह पर इसका उत्पादन कर रहे हैं, और ना केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं बल्कि कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि मार्केट में भी अच्छे काफी मात्रा में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और एक प्रकार का ये बहुत अच्छा एक पैटर्न है, और इससे बहुत ही बढ़िया डिमांड एंड सप्लाई के बीच का जो अंतर है वो दूर हो रहा है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक बिना मिट्टी की खेती वाली एक तकनीक है, जिसमें वाटर और या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में या न्यूट्रिएंट मिस्ट में प्लांट को ग्रो किया जाता है। जी सर, तो सर हम अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स पार्ट थर्ड, हम उसको चर्चा को और आगे बढ़ाएं सर। जी तो बच्चों, जो तीसरे प्रकार का जो हम वे है, जो रास्ता है जिसके द्वारा हम क्रॉप को बचाने का, प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हम आल जो भी पैरामीटर अपनाते हैं, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, वो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में आती। आपने देखा होगा कई बार अपने खेतों में, अपने घर में, गमलों में, अपने आसपास के मैदान में, कई बार जो आपकी डिजायर्ड क्रॉप है उसके अलावा कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं। उन अनवांटेड प्लांट को बच्चों वीड कहते हैं, अर्थात वीड आर अनवांटेड प्लांट। ऐसे ही आपने देखा होगा कई बार हमारी फसलों में अनवांटेड इंसेक्ट या कैटरपिलर या सुडी जिसे हम कहते हैं, वो लग जाते हैं और हमारी जो यील्ड है वो कम हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि किसान इसको कैसे खत्म करें। इसके लिए कुछ पॉपुलर मेथड है, जैसा कि मैंने आपके साथ स्लाइड को शेयर किया है, कॉमन टाइप ऑफ वीड जो आप अपने घर के आसपास देखते होंगे, ये कुछ प्रकार की अलग अलग डेंडेलियन या जाइंट रैग वीड, और ये तो बहुत ही फेमस वीड है जिससे हम कांग्रेस ग्रास या पार्थिनियम कहते हैं। ये इस प्रकार की वीड है जो कि मिट्टी में हमारे डिजायर्ड प्लांट के साथ न्यूट्रिएंट की डिमांड को अपनी बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारे जो जो हमारे जरूरत के प्लांट हैं उन तक अच्छे से पोषण नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए आज के दौर में बहुत सारे मेथड अपनाए जाते हैं, जिसमें से एक सिंपल मेथड है जिसमें कि वीड्स कैन बी अपरूटेड मैनुअली बाय द फार्मर मैकेनिकली, एज वेल एज देयर आर द सम केमिकल व्हिच आर नोन एज वीडिसाइड। सो वीडिसाइड मे बी स्प्रेड ऑन द फील्ड, but the side effect of the weedicide is our environment is get polluted, अर्थात हमारा soil, water and other bodies also get polluted, as well as pollinator also get adversely affected. So ये जो किया जाता है different अलग अलग method को भी अपना सकते। कई बार जो हमारे किसान बंधु है वो या एग्रीकल्चर करने वाले लोग क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं या इंटरक्रॉपिंग को करते हैं, जिसकी वजह से चांसेस हैं जो वीड के ग्रो होने के वो कम हो जाते हैं। पर जो जब हमने आपसे बताया था कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारी फसलों में अक्सर लग जाते हैं और वो हमारे फसलों की पैदावार को कम करते हैं, वो इंसेक्ट हो सकते हैं या मोलस्क हो सकते हैं या कॉकरोच टर्माइट हो सकते हैं या स्पाइडर या बैक्टीरिया या वायरस या दीज आल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिज्म एंड दीज आल आर नोन एज वी पेस्ट। सो ये पेस्ट हैं, इन पेस्ट को खत्म करने के लिए भी कुछ ढंग अपनाए जाते हैं, जैसे कि आपके साथ मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे पेस्ट हमारे फसलों के तबाह करते हैं, किस प्रकार से पत्तियों को खा जाते हैं, किस प्रकार से हमारे तनों को खा जाते हैं, और हमारी जो एक प्रकार की जो यील्ड है वो कम हो जाती है। तो ये इससे किसान को बहुत नुकसान होता है। इसको खत्म करने के लिए, इसको दूर करने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए
आजकल वीडिसाइड का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही पेस्ट को हटाने के लिए पेस्टिसाइड अर्थात अनवांटेड इंसेक्ट को खत्म करने के लिए कई सारे पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड वो केमिकल है जो पेस्ट को खत्म करती है। कुछ नेचुरल पेस्टिसाइड होते हैं जैसे नीम की लीव का खूब प्रयोग किया जाता है, इसकी मदद से पेस्ट को मारा जा सकता है। इसके अलावा कुछ इंसेक्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड वो सबस्टेंस होते हैं जिनको स्प्रे किया जाता है फील्ड पर टू किल द वेरियस इंसेक्ट। सो क्रॉप शुड बी चेक्ड टाइमली टू इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट पेस्ट एंड यूसेज ऑफ द इफेक्टिव क्रॉपिंग मेथड सच एज द क्रॉप रोटेशन इंश्योर इंसेक्ट मैनेजमेंट इन द फील्ड। समटाइम्स समर प्लाउविंग इज ऑल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड एंड पेस्ट, बट देयर इज ए पॉपुलर मेथड दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। क्योंकि जब हम और आप लोग केमिकली पेस्ट कंट्रोल करते हैं तो उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित होता है, हमारे जो भी नॉन टारगेटेड इंसेक्ट हैं, कई सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, वो भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए आजकल बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड अपनाया जाता है। इसमें कोई डैमेज नहीं है एनवायरनमेंट को, ओनली टारगेटेड इंसेक्ट आर एलिमिनेटेड एंड एक्सपेंसेस आर वेरी लो एंड सस्टेनेबल आउटकम देखा जाता है। तो ये अलग अलग मेथड के द्वारा या तो हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं या हम ट्रैपिंग कर सकते हैं, इसके लिए फ्लाइंग पेस्ट या ट्रैपर्स होते हैं, या कई बार फ्लाइंग पेस्ट को हम बाइंड कर सकते हैं या क्रॉप के साथ जो भी फ्लाइंग हमने पेस्ट को पकड़ा है इसके आधार पर हम उनको अलग कर सकते हैं। इसके अलावा जो केमिकल मेथड है उसमें रोडेंटिसाइड अर्थात चूहों को मारने के लिए जो केमिकल उपयोग किए जाते हैं वो रोडेंटिसाइड कहलाते, कीड़ों को मारने के लिए जो उपयोग किए जाते हैं वो इंसेक्टिसाइड कहलाते, हर्ब को मारने के लिए हर्बिसाइड और फंगस को मारने के लिए फंजीसाइड। सो दीज आर द केमिकल सबस्टेंस। बच्चों इसके अलावा आपने देखा होगा, कई बार आपने आसपास देखा होगा कि पेड़ों में और फसलों में कुछ बीमारियां फैल जाती हैं जिन्हें हम डिजीज कहते हैं, और इन डिजीज को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थात माइक्रोब होते हैं। माइक्रोब्स वो होते हैं जो हमें और आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। माइक्रोब्स के अंतर्गत फंजाई बैक्टीरिया और वायरस आते हैं और ये माइक्रोब हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको अपनी फसल की अगर पैदावार बढ़ानी है तो हमें इन माइक्रोब्स को भी कंट्रोल करना होता है। इसके लिए हम अलग अलग केमिकल का या अलग अलग नेचुरल मेथड अपनाते हैं जिससे कि इन माइक्रोब्स को हम कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में हमारी क्रॉप्स में डिजीज नहीं हो पाती है। ये बच्चों एक एक्टिविटी में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अपने आसपास कोई अगर गार्डन है, कोई पार्क है या एग्रीकल्चर फील्ड है तो वहाँ जाइए और वहाँ अनवांटेड जो भी पौधे हैं उनको लिखिए, उनकी फोटो खींचिए या उनको लेके एक हर्बेरियम शीट में लगाइए। इसके अलावा जो अनवांटेड इंसेक्ट या कैटरपिलर आपको अगर दिखाई देते हैं तो उनको भी आप देखिए और ऑब्जर्व करिए। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को हम लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे जबकि आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बी प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप। हमने बच्चों आपके साथ डिस्कस किया कि प्रिवेंटिव मेथड अपने आप में एक बेहतर मेथड होता है जिसमें कि हम बचाव कर सकते कि अगर इस प्रकार की कहीं पर भी कोई डिजीज क्रॉप फील्ड है तो वहाँ से हम पहले उन पेस्ट को या उस डिजीज ऑर्गेनिज्म को हटाएं, उनको ख़त्म करें, या फिर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के द्वारा उन जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उन्हें हटाएं या फिर वीड्स या पेस्ट को कंट्रोल करें जी एनवायरमेंट को एडवर्सली अफेक्ट नहीं करता है। हमारे आपने देखा होगा बच्चों जब फसलों को काटा जाता है खेतों से, इसके बाद फिर खलिहान में पहुंचती है और वहाँ से फिर हमारे आपके घरों में आती, लेकिन घरों में भी देखा होगा स्टोरेज के दौरान बहुत सारा लॉस हो जाता है। उसमें यही पूछा गया है आपसे, व्हाट फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ द ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो आप जानते हैं कि चूहे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी फसल को पैदावार को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा अगर नमी है वहाँ पर तो वहाँ पर फंगस ग्रो हो जाता है, इसकी वजह से हमारे क्रॉप्स के जो भी ईल्ड है वो कम हो जाती है, जो भी हमारा स्टोरेज ग्रेन्स हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम स्टोरेज कैसे करें।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ग्रेन्स को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। एक तरफ बायोटिक फैक्टर हैं जैसे इंसेक्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, चूहे अर्थात रोडेंट एंड माइट, और एबायोटिक फैक्टर में एक्सेसिव टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो इसके लिए हमें अपने आसपास सफाई रखनी है, मेंटेनिंग करना है, स्टोरेज हाउस को प्रॉपरली क्लीन करना है, अपने ग्रेन्स को स्टोर करने के पहले और सुखाना भी अच्छे से प्रॉपरली सनलाइट में, जिसकी वजह से हम बचा सकते हैं अपने अनाज को। एक और टॉपिक है इस चैप्टर में बच्चों, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एक प्रकार की प्रैक्टिस है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल लाइव स्टॉक का, और इसके अंतर्गत केयरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट आता है लाइव स्टॉक का। कैटल फार्मिंग जो किया जाता है यूजुअली फॉर मिल्क एज वेल एज खेतों में काम करने के लिए, जिसे हम क्रॉट लेबर कहते हैं, ये एक एक्टिविटी बच्चों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपके NCERT बुक में दी हुई है। आप आसपास अगर कहीं पर लाइव स्टॉक फार्म है तो वहाँ पर विजिट करिए, वहाँ देखिए कितने प्रकार के कैटल और कितने प्रकार की अलग अलग ब्रीड पाई जाती हैं, और क्या वहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन को भी देखिए कि अलग अलग ब्रीड का क्या मिल्क प्रोडक्शन है। देसी ब्रीड है तो उनका कितना मिल्क प्रोडक्शन है, देसी काऊ से कितना मिल्क मिल रहा, और अगर हाइब्रिड है तो उसका देखिए। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है NCERT बुक में, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड एंड वाई। आपने बच्चों देखा होगा कि एक बहुत ही पॉपुलर मेथड होता है जिससे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें जो ब्रीड को हमें इम्प्रूव करना होता है उनको हम सिलेक्ट करते हैं कि उनमें डिजायरेबल करेक्टर हैं कि नहीं, और इसके बाद उनमें हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं अर्थात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड से, और वेटनरी डॉक्टर या साइंटिफिक मेथड अपनाकर हम जो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ऐसी इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ब्रीड को पैदा कर सकते हैं। बच्चों पाउल्ट्री फार्मिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है जिसमें मुर्गी पालन किया जाता है। पाउल्ट्री सर यहाँ पर हम आपको बता दें कि 2 मिनट का समय और शेष है सर। यस मैम, सो पाउल्ट्री फार्मिंग यूजुअली फॉर द रेजिंग ऑफ द एग एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ द चिकन फॉर द मीट। सो देयर आर द इंडिजिनस ब्रीड एज वेल एज द फॉरेन ब्रीड, एंड इंडिजिनस ब्रीड इज एसिल एंड बरोसा, एंड फॉरेन ब्रीड इज द लेगहॉर्न एंड ब्लैक मिनोरा। सो ये आप बच्चों कुछ क्वेश्चन करिएगा। इसके अलावा हम आपके साथ फिश प्रोडक्शन पर भी चर्चा करेंगे। फिश बहुत चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन का, जो हमें समुद्र से या वाटर बॉडी से प्राप्त होता है, और जो कोस्टल एरिया पे रहने वाले लोग हैं उनके भोजन का एक बहुत बड़ा साधन है। मैराइन फिशरी भी है जहाँ पर समुद्र में जो भी मछलियों को पकड़ा जाता है वहाँ पर ग्रो किया जाता है, और इनलैंड फिशरी है अर्थात लेक एंड पॉन्ड एंड लेगून और रिवर में इनको कैप्चर किया जाता है। इसके अलावा कंपोजिट फिश कल्चर भी है जिसमें 5 से 6 वेराइटी की फिशेज को एक सिंगल फिश पॉन्ड में ग्रो किया जाता है। सबसे लास्ट में बच्चों बताना चाहेंगे मधुमक्खी पालन, जिसे हम बी कीपिंग कहते हैं अर्थात एपीकल्चर, एक पॉपुलर मेथड है क्योंकि उससे हमें हनी प्राप्त होती है, और हनी बहुत यूजफुल होती है, उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और बहुत सारे जो ऐसे फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हम और आप लोग कई सारी दवाइयाँ भी हनी के द्वारा लेते हैं। सो प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स इज नोन एज बी कीपिंग और एपीकल्चर। एंड सम कॉमन इंडियन वेराइटी ऑफ दी बी इंक्लूड एपिस सेरेना इंडिका, जिसे हम इंडियन बी कहते हैं, एपिस डॉर्सेटा जिसे हम रॉक बी कहते हैं, और एपिस फ्लोरा जिसे हम लिटिल बी कहते हैं। खेतों में या फील्ड में इस प्रकार से छत्ते लगाए जाते हैं, उसके आधार पर इटालियन वेराइटी अर्थात मेलीफेरा या एपिस मेलीफेरा की वेराइटी को या एपिस इंडिका की हम ग्रो करते हैं, जिससे हाई हनी कलेक्शन होता है और हमें वैक्स भी प्राप्त होता है। कुछ क्वेश्चन है ये बच्चों आप करिएगा खाली समय में, और ये मैं आपके साथ क्वेश्चन भी शेयर कर रहा हूँ साथ में एक्टिविटी, और ये आज के पूरे सेशन में आपको बी कीपिंग अर्थात एपीकल्चर, फिशरीज अर्थात मछली पालन, और साथ में पोल्ट्री फार्मिंग अर्थात जिसमें कि हम फाउल को रेजिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं मुर्गी पालन, इसको आपने जाना होगा और समझा होगा। जी सर, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया। सुशील सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।
धन्यवाद सर। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे जो कि इंग्लिश के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और टॉपिक रहेगा राइटिंग स्टोरी राइटिंग एक्चुअली। और इससे पहले कि मैं आपसे अनुमति लूँ, एक बहुत ज़रूरी सूचना हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे NCERT की पुस्तकों से संबंधित। NCERT बुक्स फॉर द ईयर 2023-24 आर अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री एंड दीज टेक्स्ट बुक्स मे बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम NCERT सेल्स काउंटर्स लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता एंड गुवाहाटी। दीज सेल्स काउंटर्स विल बी फंक्शनल ऑन ऑल द वीक डेज इंक्लूडिंग ऑल द गेजेटेड हॉलीडेज, सैटरडेज एंड संडेज एज वेल फ्रॉम 9:30 AM टू 6 PM। And you may also place order for the books online from our website, that is ncertbooks.ncert.gov.in, and these books will be delivered at your doorstep with no delivery fees. And in case if you want the PDF version of all those books, it can also be downloaded online for free from NCERT, Diksha, ePathshala and from our mobile app as well. Please visit our website, that is ncert.nic.in, to know more about the authorized vendors. With that note, me, Renu Bhatt, is taking your leave. Stay tuned with A Vidya Channels. Namaskar.